कोल्हान के टाइगर यानी कि चंपई सोरेन भाजपा में 30 अगस्त को शामिल होंगे, ये आज कंफर्म हो गया। और उसी वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। हमारे साथ हैं बाबूलाल मरांडी। सर, ये जो घटनाक्रम हुई है उस टाइमिंग से सवाल उठ रहा है, और इसके साथ साथ कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बाबूलाल मरांडी इस ज्वाइनिंग से नाराज़ थे और प्रधानमंत्री से क्या इस मसले पर बातचीत हुई। पहली बात तो मैं कहूँगा कि चंपई सोरेन के पार्टी में ज्वाइन करने की बातें पार्टी के स्तर पर, स्टेट स्तर पर हमारे दो, एक प्रभारी और सह प्रभारी, आज से 15 दिन पहले वार्ता हो चुकी है और सबों की एक ही इच्छा थी, अगर वो आना चाह रहे हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ी है, इसलिए उसका तो कोई मतलब नहीं। और आज की जहाँ तक प्रधानमंत्री जी से मिलने का हमारा सवाल है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब तीसरे बार जब बने तो फिर हम इसके बाद व्यक्तिगत रूप से वहाँ करके मिले नहीं थे, जबकि उन्होंने चुनाव समाप्त होने के बाद ये हमसे कहा था कि एक बार आना, एक बार फिर बात करना है समय से, तो फिर हम भी नहीं आ पाए थे। और फिर लग रहा था पार्लियामेंट है बाकी है, तो व्यवस्था के कारण हमने भी छोड़ दिया था कि चलो थोड़ा निश्चिंता हो जाती है तो फिर हम समय लेकर के आएंगे। तो फिर विदेश से लौटे तो मैंने समय परसों ही संभवतया डाले थे, और हमने कहा था कि भाई जन्माष्टमी समाप्त होता है तो हमें समय मिल जाए, तो आज मिल गया था तो फिर चले आए। और मिलना तो फिर राजनीतिक परिस्थिति झारखंड के बारे में, कुछ एक दिनों के बाद चुनाव की घोषणा होना है तो चुनाव के संदर्भ में राजनीतिक परिस्थिति बात करनी थी, बात हुई, उनसे भी मार्गदर्शन लिए। चंपई सोरेन पे भी बात हुई? नहीं, चंपई सोरेन पर तो कोई मतलब ही नहीं था बात करने को, तो पार्टी असर पहले ही बात हो चुकी है। सवाल सर इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जो तमाम तस्वीरें हुई, चाहे वो कलकत्ता से लेकर दिल्ली की दो बैठकों की बात हो, उसमें आप नहीं दिख रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है कि राज्य के इतने बड़े स्तर पे एक ज्वाइनिंग हो रही है और राज्य के अध्यक्ष नहीं है इन मीटिंग्स में। अब ज्वाइनिंग के दिन देखिएगा, हर जगह हर कोई रखना ही होता है, थोड़े जरूरी होता है। जब हमने कहा कि आज से 15 दिन पहले ही हम लोगों की बात हो गई और फाइनल हो गई। सर, लोकल स्तर पे भी नाराजगी की बात आ रही है कि राज्य इकाई के कुछ नेता इससे नाराज हैं, जो कोल्हान की राजनीति में निश्चित रूप से सक्रिय रहे हैं बीजेपी के साथ, तो उन लोगों को कैसे मनाएंगे आप? देखिए, मुझे नहीं लगता है कोई नाराज है, और मैंने कहा कि कोई भी नए घर में आते हैं तो उनसे हर कोई असहज होता है, खास करके पर्टिकुलर उस परिवार के लोग, उस परिवार से मेरा मतलब था उस क्षेत्र से जो विधानसभा चुनाव लड़े हो, लड़ने की इच्छा रखता हो, थोड़ा सा असहज होना स्वाभाविक है। मैं लोगों को कहता हूँ कि नए बहू भी आती है घर में तो वो भी असहज अपने आप को फील करते हैं, घर के लोग भी असहज फील करते हैं, और ये बहुत दिन नहीं चलता है, 10 एक दिन चलता होगा, और 10 दिन के बाद फिर सबको जीवन में सामान्य हो जाता है, इसलिए सब कहीं कोई ये नहीं है। सर, आप लोगों की उम्मीद हालांकि होगी कि कोल्हान में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि चंपई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है, 13 सीटों पे इसका इम्पैक्ट पड़े, लेकिन अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखें जो डेटा है, सीता सोरेन को आप लेके आए पार्टी में वो चुनाव हारी, गीता कोड़ा को आप लोग लेके आए पार्टी में वो चुनाव हारी, तो जब आपके पाले में कोई आता है महागठबंधन से तो बहुत सक्सेसफुल नहीं रह पाया है। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि लोकसभा चुनाव की आपने जो बात की, और सीता सोरेन की क्या कहते हैं गीता कोड़ा की बात की, सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, क्षेत्रों की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। उन सारे सीटों में कोई लगातार हम भी चुनाव नहीं जीतते रहे, हारते रहे हैं, जीतते रहे हैं। और मधु कोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी से ही अलग हुए थे, बिछड़े थे, एक प्रकार से उनका तो घर वापसी ही हम कह सकते हैं। तो चुनाव हारना, चुनाव जीतना ये चलते रहता है, एक बार में कोई वो सब सीटें ऐसा नहीं थी क्योंकि हम लगातार जीत रहे थे। दुमका सीट भी हमारे वैसे ही होता था, एक बार हम हारते थे, एक बार हम जीतते थे। अगर पुराना भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, हम भी वहाँ से चुनाव लड़े, हम भी चुनाव वहाँ से जीते हैं, दो चुनाव वहाँ हारे हैं तो दो चुनाव हम भी दुमका से जीते। तो कहने का अर्थ है कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, तो इसीलिए ये कहना कि कोई आते हैं तो हार जाते हैं, हार जाते हैं तो फिर नहीं जीतेंगे, ऐसा कैसे है, जीतेंगे, आगे आने वाला विधानसभा आप देखेंगे। लेकिन क्या ये स्थिति बेहतर नहीं होती कि अगर वो अलग खेमा बनाते, बिना अलायंस का चुनाव लड़ते तो शायद जेएमएम का वोट बैंक कट करते, बीजेपी को फायदा होता? देखिए, पहले बात तो मैं कहूँगा कि हम इस प्रकार की बातें नहीं सोचा करते हैं,
कोई अलग से लड़े, कोई लड़ने वाला लड़ता है, उसमें से हमको क्या करना है। लेकिन ये क्या हम किसी को खड़ा करें कि भाई तुम लड़ो, ऐसा करो, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ वो परेशान है, घुटन महसूस कर रहा है, दबले में आ रहे हैं, तो फिर उनका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल, LJP JDU साथी बनेंगे झारखंड में, क्योंकि केंद्र में वो आपके NDA का हिस्सा है, झारखंड में एक अलग तस्वीर है, NDA के पार्टनर्स अलग हैं वहाँ। देखिए अभी वहाँ झारखंड में आजसू हमारे पार्टनर है, बाकी दलों के साथ बातें होगी, फिर आगे देखिए क्या होता है। ठीक, तो बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि कोई नाराज़गी नहीं है और 30 तारीख को जब ज्वाइनिंग होगी चंपई सोरेन की, तो वहाँ पे रांची में वो मौजूद होंगे। वीडियो सहयोगी इमानुअल के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आस्था।